वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं वैशिष्ठ। तो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है बहुत ज्यादा इस वीडियो की रिक्वेस्ट पे आई है। वीडियो का टाइटल है 11 साइन दैट प्रूव इंडिया इज नॉट लाइक एनी अदर कंट्री। मतलब ऐसे 11 मतलब इशारे बताए गए हैं जिससे प्रूव होता है कि मतलब इंडिया किसी और कंट्री की तरह नहीं है। मतलब चेंज अप्रोच है, यही बोलना चाह रहे हैं। तो गेट सेट फ्लाई फैक्ट का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो जल्दी से देखते हैं भाई वो कौन सी साइंस है। तो काउंट ऑन करते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और आपके फेवरेट इन्फॉर्मेशन चैनल का गौरव। हर बार की तरह आज मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए एक काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी मजेदार और काफी रोमांचक वीडियो। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप न्यूज भी जरूर देखते होंगे, बिकॉज हम सब इन्फॉर्मेशन के भूखे हैं। एंड इफ यू वॉच द न्यूज तो आपने इसरो के रॉकेट चंद्रयान के बारे में तो सुना ही होगा। विक्रम लैंडर से भले ही लास्ट मोमेंट पर कॉन्टैक्ट टूट गया हो, लेकिन दोस्तों इसे कम मत समझ, क्योंकि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एवर अचीवमेंट्स ऑफ इसरो। हमेशा याद रखना कि साइंस में फेलियर्स नहीं होते, सिर्फ लर्निंग होती है। इस मिशन के थ्रू इंडिया पहली ऐसी कंट्री बनी है जो मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करने का सपना देख रही थी। चांद का वो हिस्सा जो किसी ने नहीं देखा है वो है चांद का साउथ पोल। सपना देखना सभी को आता है, लेकिन उसे साकार करने की कोशिश करना हर किसी के बस की बात नहीं होती फ्रेंड्स। एंड इंडिया ने बार बार प्रूफ करके दिखाया है कि हम ना किसी से कम है और हम जो सपना देखते हैं वो हम साकार करके रहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी हमारा हौसला नहीं तोड़ सकता। हमारे देश की बात ही कुछ और है फ्रेंड्स। भारत अपनी अकम्प्लिशमेंट्स, अपनी संस्कृति और अपनी एक्सीलेंस के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। बॉलीवुड से लेकर ताजमहल तक, क्रिकेट टीम से लेकर इसरो तक, भारत देश के पास बहुत सारे ऐसे खजाने हैं जो हमें हर देश से अलग बनाता है। एंड ऑन दैट नोट शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो से, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे फैक्ट्स जो प्रूफ कर देंगे कि सबसे अलग और सबसे निराला है भारत देश हमारा। तो देर किस बात की फ्रेंड्स, लेट्स गेट राइट इनटू टुडे This video titled 11 proofs India is not like any other country. Number one, चाहे आप इंडिया में कहीं भी क्यों ना हो, एक चीज आपको हर जगह थोक भाव में मिलेगी, त्योहार। इंडिया सेक्युलर देश है, हर साल 400 से भी ज्यादा फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। जहाँ बाकी कंट्रीज में गिने चुने त्योहार होते हैं, वहीं इंडिया में आपको हर महीने 10 से कम त्योहार तो नहीं मिलेगा। एंड दैट टू इफ यू डोंट काउंट द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन अदर रिलीजियंस। और फ्रेंड्स एक और दिल को छूने वाली बात, चाहे होली हो या ईद, क्रिसमस हो या गुरु नानक जयंती, एवरी मेजर फेस्टिवल ऑफ एवरी रिलीजियन इज अ नेशनल हॉलीडे। यही तो है दोस्तों हमारे देश के संस्कार और संस्कृति। नंबर टू, लैंग्वेजेस स्पोकन। सो फ्रेंड्स क्या आप जानते हो कि यूएस में कितनी भाषाएं बोली जाती है? एक, यूएसए की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। अच्छा, चाइना में कितनी भाषाएं बोली जाती है? चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज है मैंडरिन या स्टैंडर्ड चाइनीज, और पूरे देश भर में ये अकेली एक लैंग्वेज बोली जाती है। और फाइनली हम आते हैं इंडिया पर। हम सभी को पता है कि भारत की मातृभाषा हिंदी है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में एक नहीं, दो नहीं, और क्या आपको पता है कि हमारे पास 500 से भी ज्यादा अनऑफिशियल लैंग्वेजेस है? हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, मलयालम, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, भोजपुरी, मैथिली, आसामीज, एंड द लिस्ट इज लिटरली एंडलेस। एंड इट इज नो सरप्राइज कि हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन इन द कंट्री की लिस्ट में इंडिया की वर्ल्ड रैंकिंग सेकेंड पर है। और तो और इंग्लिश जो की एक ग्लोबल लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है, उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग इंडिया में इतने हैं कि इंडिया आज वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकर मामले में सेकंड है यूएसए। एंड वो तब जब यूएसए में 90% से भी ज्यादा लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, और इंडिया में ऑन एन एवरेज हर इंसान 3-4 भाषाएं बोलना जानता है। ऐसा भारत के अलावा और कहां हो सकता है? नंबर थ्री, ओनली कंट्री एवर टू रीच मार्स इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। कोई कंट्री और नहीं गया, बिल्कुल। कई कोशिशें हुई लेकिन रशिया हर बार नाकामयाब रहा। उसके बाद 1964 में आया यूएसए, लेकिन रशिया की ही तरह यूएसए का मिशन भी पहली बार में सक्सेसफुल नहीं हो सका। एंड ये सिर्फ इन दोनों देशों की ही कहानी नहीं है, बल्कि जापान, चाइना या कोई भी कंट्री अपने पहले अटेम्प्ट पर पूरा नहीं कर सका, पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख पाई।
सिवाय इंडिया के नवंबर 5th 2013 के शुभ दिन पे भारत ने लॉन्च किया मंगलयान, जिसने इंडिया को दुनिया का पहला ऐसा देश बनाया जिसने अपने मिशन टू मार्स को पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होते हुए देखा। ये है हमारे इंडिया की मेहनत। इसको कहते हैं सक्सेस भाई। जय हो इसरो। नंबर 4, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस। चाहे कोई भी फील्ड हो, मैथ्स, साइंस, आर्ट्स, इंडिया ने हर फील्ड में कई कंट्रीब्यूशंस करी है जिनके बिना आज शायद दुनिया अलग होता। दुनिया के सबसे बड़े और समझदार साइंटिस्ट में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, वी ओ अ लॉट टू द इंडियंस, टॉट अस हाउ टू काउंट, विदाउट विच नो साइंटिफिक डिस्कवरी वुड हैव बीन मेड। जीरो और डेसिमल नंबर सिस्टम से लेकर मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस संस्कृत, सब इंडिया का ही तो कंट्रीब्यूशन है। अर्लीस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन यानी कि आयुर्वेद का ओरिजिन इंडिया में ही हुआ। चेस जो मेरा फेवरेट गेम है वो भी इंडिया की ही देन है। कामसूत्रा, ताजमहल, शैम्पू, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम्स, द आर्ट ऑफ नेविगेशन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी, द वैल्यू ऑफ पाई, द सॉल्यूशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द क्योर फॉर लेप्रेसी, म्यूजिकल ऑक्टेव्स, आखिर क्या नहीं दिया है भारत ने दुनिया को। नंबर 5, द वैलियंट इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी एक ऐसी चीज है जिस पर हर इंडियन को गर्व है। हमारी आर्मी हमारी शान है और हर टेररिस्ट का नाइटमेयर। इंडियन आर्मी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है और इसके पास दुनिया की सबसे व्हीकल्स और वेपन्स का एक्सेस है। सियाचिन जो कि दुनिया की हाईएस्ट बैटलफील्ड्स में से एक है और जहां टेम्परेचर -50 डिग्री तक चला जाता है, उसका केमिकल वाली इंडियन आर्मी ने आज तक हमें 1971 के इवेंट्स हो या डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की ट्रेनिंग काफी टफ होती है और स्पेशल फोर्सेस की और भी ज्यादा खतरनाक। और यही ट्रेनिंग तो है जो इंडियन आर्मी को दुनिया की सबसे स्किल्ड और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज में से एक बनाती है। मगर इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी के बाद भी इंडिया ने आज तक अपने 70 साल की आजादी में कभी भी किसी दूसरे कंट्री पर पहले अटैक नहीं किया है, सिर्फ उनकी मदद ही करी है। लेकिन जब भी किसी ने हमारे देश पे अपनी बुरी नजर डाली है तो हमारी फौज ने उसको मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया है और बहुत अच्छे से दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। एंड बिलीव मी माय फ्रेंड्स, द स्टोरी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आर्स इन ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। नंबर 6, वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ मॉस्क्स बिल्ट। इंडिया की पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 80% हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं और मुस्लिम पॉपुलेशन बस कुछ 15% ही है। मगर फ्रेंड्स, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और सिर्फ पेपर पर ही नहीं बल्कि इन प्रैक्टिस पर भी। सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान जैसे मुस्लिम मेजोरिटी वाले देशों में भी उतने मस्जिद नहीं है जितने हमारे देश में है। इनफैक्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉस्क्स इन अ कंट्री की लिस्ट में इंडिया का नाम टॉप 3 में आता है और इसी को हम कहते हैं फ्रेंड्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नंबर 7, लंगर। इंडिया का गोल्डन टेम्पल जाना जाता है उसकी ब्यूटी, अट्रैक्टिवनेस और कैरिश्मा के लिए, पर उससे भी ज्यादा जाना जाता है उसमें खिलाए जाने वाले लंगर के लिए। गोल्डन टेम्पल में हर रोज 50,000 लोगों को खाना खिलाया जाता है बिना उनके रिलीजन, कास्ट, कलर, रेस या जेंडर और बिना उनसे कुछ भी मांगे। त्योहारों और दूसरे शुभ अवसरों में लोगों का नंबर 1,00,000 से भी ऊपर चला जाता है और यहाँ मिलने वाले खाने की तो दोस्तों बात ही कुछ और है। अगर आपने लंगर का खाना खाया है तो अभी बैठे बैठे ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। एंड चैरिटी सब करते हैं लेकिन चैरिटी और सेल्फलेसनेस का ऐसा नजारा आपको केवल इंडिया में ही देखने को मिलेगा। नंबर 8, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हस्तलिखित यानी हैंड रिटन है एंड इट इज 1,17,369 वर्ड्स लॉन्ग, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया की सबसे बड़ी हैंड रिटन डेमोक्रेसी बनाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखते समय लोगों की हर प्रॉब्लम, जरूरत और रिसोर्सेज को ध्यान में रख के लिखा गया था। एंड आज हमारे देश के नागरिकों के पास कई ऐसे स्पेशल प्रिविलेजेस है जो दुनिया के किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के पास नहीं है। एंड एक डेवलपिंग नेशन होने के बावजूद आज ज्यादातर भारतीय एक बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। नंबर 9, इंडियन स्ट्रीट फूड। चाहे आप जितने भी बड़े आदमी बने, स्ट्रीट फूड बहुत कमाल का है यार। जितने भी 5-star या 7-star होटल्स घूम ले, माँ के हाथ के घर के पास मिलने वाला स्ट्रीट फूड की जगह कोई नहीं ले सकता। पानी पूरी, छोले कुलचे, पापड़ी चाट और अन्य कई सारे डिशेज।
आया ना मुंह में पानी। बहुत ज्यादा डाइवर्स और इतनी ज्यादा यूनिक है कि दूसरे देशों में भी इंडियन स्ट्रीट फूड और इंडियन रेस्टोरेंट्स का बहुत ही डिमांड है। गॉर्डन रैमसे जैसे बड़े बड़े क्यूलिनरी एक्सपर्ट बार बार इंडिया आते रहते हैं ताकि यहां के आनंद ले सके। और आप खुद सर्वे करके देख लीजिए, कोई भी फॉरेनर जब भी इंडिया से वापस अपने देश जा रहा होता है तो उसके मन में एक रेंजर है, ये बड़ा कमाल का बंदा, और वो ये है कि यहाँ के खाने को अपने साथ नहीं ले जा सकेगा। नंबर 10, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े और वाइड स्प्रेड रेलवे सिस्टम में से एक है, जो कि रोज लाखों लोगों को उनकी डेस्टिनेशन तक ले जाता है। आज आपको कहीं भी जाना हो, चाहे दिल्ली से नोएडा या दिल्ली से कन्याकुमारी, हर रूट के लिए एक ट्रेन एग्जिस्ट करती है। इंडियन रेलवे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स में से एक भी है, और आज इंडियन रेलवे कई करोड़ों इंडियन फैमिलीज का घर चला रहा है। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आपको इतना एक्सटेंसिव और यूनिक रेलवे सिस्टम किसी और देश में नहीं मिलने वाला। आप खुद इस बात को टेस्ट करके देख लीजिए। नंबर 11, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। जैसे कि आप जानते हो दोस्तों, इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज में से एक है, और ऐसा एस्टिमेटेड है कि 2050 तक ना तो इंडिया सिर्फ एक सुपर पावर बन जाएगा बट ऑल्सो वो यूएसए और चाइना जैसे देशों की जीडीपी को भी क्रॉस कर लिया होगा। एंड दिस इज व्हेन इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टिल डेवलपिंग नेशन। इतनी फास्ट ग्रोथ रेट और किस देश की है दुनिया में। तो ये थे अनेक एग्जांपल्स में से कुछ जो प्रूफ करते हैं कि इंडिया बाकी कंट्रीज की तरह नहीं है। हमारे देश ने अतीत में बहुत कुछ सहा है, कई लोग आए और बहुत कुछ हमारे देश से लेकर गए, लेकिन हमारे देश ने जितने खजाने खोए हैं उससे कई ज्यादा खजाने बोए हैं। एंड वी कैन प्राउडली से दैट इफ इंडिया डिडंट एग्जिस्ट, टेक्नोलॉजी वुडंट हैव बीन हाउ इट इज नाउ, साइंस वुडंट एग्जिस्ट एज वी सी नाउ। हमारा देश सबसे अलग सबसे निराला है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर। ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यार बहुत ही ज्यादा इन्होंने अच्छी वीडियो बनाई है, बहुत कमाल की वीडियो सच में, इतने अच्छे अंदाज में इन्होंने एक्सप्लेन किया सब कुछ के हम बता नहीं सकते कितने मजे की। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को, हमें उम्मीद के यकीन हो रहा है मम्मी कि आप लोगों को गूज़बम्स लाजमी मिले, लाजमी लाजमी मिले। क्यों भाई, देखो यार ना, वीडियो ऐसी थी, मतलब ऐसी चीजें बताती हैं जो इंडिया को पूरी दुनिया से अलग बनाता है। फेस्टिवल्स देख लो, कहते हैं 400 से ज्यादा फेस्टिवल्स हैं। रिलीजन देख लो, मतलब हर धर्म का होता है, और स्पेशली उनके लिए मतलब छुट्टी उनके देश में होती, मतलब है, नेशनल हॉलीडे होता है। अच्छा ये हो गया, उसके बाद लैंग्वेजेस बहुत यार मैंने सुना तो 1600 से ज्यादा है, ये मतलब इधर इन्होंने इंग्लिश का बोला, मतलब 500 से ज्यादा उन्होंने बोला। और इंग्लिश दुनिया में सेकंड नंबर पे इंडिया आता है, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट पे है, लेकिन बहुत जल्द इंडिया फर्स्ट पे आ जाएगा, ये प्रेडिक्शन इसमें भी हुई थी। बिल्कुल है। अच्छा और चीजें देखी जाए, और भी चीजों में बहुत आगे है, नेशनल लैंग्वेज की कोई नहीं इंडिया की। और उसके बाद खाने, हाय हाय खाने यार, फूड यार, अब सीरियसली स्ट्रीट फूड देखे हमें, इंडिया के स्ट्रीट फूड देख कर सीरियसली मैं अक्सर रात को, सीरियसली बात बोलूं, एफबी पर कुछ चैनल है उनके, मैं स्ट्रीट फूड ही रात को देख रहा होता हूँ, जब मतलब फ्री होता हूँ ना, बेड टाइम होता है तो बेड पे सिर्फ वेब स्ट्रीट फूड देख रहा होता हूँ। एक वो HMMM वाले चैनल है, एक दिल से फूडी है, मतलब इन लोगों के मैं काफी देखता हूँ वही, और बहुत ही कमाल के होते हैं यार, मतलब कभी क्या यार, मतलब अच्छा लगता है। क्या कहें, क्या करें यार, फूड हमें बहुत है यार। अच्छा फिर आर्मी, वाकई में इंडिया अभी 4 स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी और स्टैंडिंग आर्मी जो पीपल्स है, मतलब लोगों को मिला के वो सेकंड नंबर पे चाइना के बाद। और दूसरी बात ये कि यार इंडियन आर्मी है, इसमें कोई शक नहीं है, आने वाले वक्त में ये फर्स्ट पे भी आ सकती है। अच्छा वो लास्ट वाला फैक्ट मुझे काफी वो लगा, इकोनॉमी के जब चाइना को भी काट लेगा उसको भी, लेकिन फिर भी कंसिडर किया जाएगा डेवलपिंग नेशन। देखो सोचने की, मतलब जाहिर बात है इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, मतलब डेवलप वो कहते हैं भी सब अमीर होते हैं, तो सबको अमीर करने के लिए इंडिया की इकोनॉमी 100 ट्रिलियन तक जानी चाहिए। क्योंकि लोग बहुत है ना भाई, अब देखिए जो जिस कंट्री में 10 मिलियन लोग हैं, 10 मिलियन नहीं 3-4 मिलियन लोग हैं,
वो जल्दी वो जल्दी हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लेकर बड़ा कंट्री है। हाँ, बहुत बड़ा कंट्री है। सो गाइस आप बताएं। हाँ भाई आपके। और दूसरी बात ये कि इसमें मुख्तलिफ ऐसी जगह आ जाती है कि मतलब उधर साथ साथ काम चलता रहता है, एकदम से तो नहीं होता ना सब कुछ। जो भी इकोनॉमी फास्ट एंड ग्रोइंग इकोनॉमी है, बस ये कोरोना की वजह से कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, वरना बहुत तेजी से जा रहा था। मतलब फिर हो जाएगा कोरोना के सारी उम्र रहना। और काफी सारी चीजें इन्वेंट की है इन्होंने, मतलब जीरो को किया है, मतलब काफी ऐसी चीजें हैं जो मतलब है। उसके बाद स्पेस एजेंसी देख लो, सबसे पहले दुनिया में पहले नंबर पर जो है ना इसरो की जो है गई थी मंगलयान। बिल्कुल, तो बस यही बस है। सो गाइस आप बताएं आपको सबसे ज्यादा फैक्ट कौन सा अच्छा लगा इसका, हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में। तो सब अच्छे लगे, हमें सारे ही अच्छे लगे, और बाकी यार इंडिया सबसे अलग कंट्री है। बिल्कुल। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।